हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है मैथ्स का एक टॉपिक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है हम ऑर्डर और जरूरी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये पहले देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, सब डेफिनेशन बताया जी थोड़ा सा। तो जिसमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो है आपके क्या हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ जो है डिपेंडेंट वेरिएबल साथ ही कांस्टेंट कोफिशिएंट कांस्टेंट हो, तब वो जो है इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। सपोज फॉर एग्जांपल हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास 1 + 4x + 4x² एक्सेट्रा, है ना भाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स जो है यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इंडिपेंडेंस वेरिएबल मिलेंगे और वाई जो है आपको हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। इसके पहले हम जो है एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसके बाद में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्या होता है पैराबोला होता है। तो इसमें जो हम कैसे इसके जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के इसके जो है सॉल्व कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पे हमको क्या मिलता है, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स के रिसल्ट में 4a मिलता है। अगेन हम जो है फिर से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है d2y/dx² = 4, यानी कि हमको क्या मिला, कॉन्स्टेंट मिला। तो अगर यहाँ पे बोल दिया जाता है कि इसको फिर से हमको क्या करना होता है, अगर इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू लाना है, इसका हमको जो है क्या निकालना है, वैल्यू लाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन मिलता है हमको। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका जो है क्या होता जाता है यहाँ पे डिफरेंशिएट भी करते जाते हैं ना। और यहाँ पे जो है क्या मिला, जब तक ये कांस्टेंट ना आ जाए तब तक हम डिफरेंशिएट किए हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जितने हमारे पास कॉन्स्टेंट होते हैं वही हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये अगर क्वेश्चन में आपको ऑर्डर दिखा तो है ना सॉरी कांस्टेंट दिखा, सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट दिखा, तो आप उसमें जो है काउंट करके आप ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और जितने बार आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कराएंगे, जितने बार आप जो इसका डिफरेंशिएट है ना निकलेगा, वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसका ऑर्डर एंड डिग्री। तो डिग्री निकालने से पहले हम जो है ऑर्डर की बात करेंगे, क्योंकि जो डिग्री निकालते हैं वो ऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड होता है। फर्स्ट पे हम देखेंगे ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जब हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका क्या होता है, वो ऑर्डर होता है ना। दी ऑर्डर ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर टू इज इक्वल्स टू वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस फोर एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन दे दिया गया है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ये बोला गया है कि हमको क्या निकालना है, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन को ध्यान से कि इसमें जो है क्वेश्चन में जो आपका ऑर्डर है ना वो डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। आपके पास कितने डेरिवेटिव है, सिंगल वन दिख रहा है, एक ही बार इसका डिफरेंशियल हुआ है। यहाँ पे देखें आप इसके दो बार डिफरेंशियल हुआ है, इसका मतलब इसका हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो क्या है ना भाई। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है आपका यहाँ पे कितने बार हुआ है, टू टाइम्स हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका ऑर्डर ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो है टू है, यहाँ पे आपको वन है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा जो डेरिवेटिव सबसे ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका ऑर्डर निकालते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे इस टाइप का एग्जाम्पल अगर आपको मिल जाता है तब आप कैसे करेंगे, इसमें जो है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले तब आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे तब आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आपको रूट मिलेगा तो उसको हटाना पड़ेगा और एका पड़ता है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर फोर और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स पावर फोर इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा ये हट जाएगा आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे आप एक काम करिए इसमें से ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स पावर को डी वाई बाई डी एक्स पावर को माइनस डी वाई बाई डी एक्स पावर टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें से हमको कॉमन निकल रहा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कॉमन निकला, एक्स टू पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और बच गया है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका ऑर्डर क्या मिलेगा, आपका डेरिवेटिव जो है सिंपल वन मिल रहा है ना भाई, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर भी आपको मिलेगा यहाँ पे वन। ये हो गया आपका ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप ऑर्डर जो है इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर देखने के बाद में, जब आप ऑर्डर फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे आप उसका डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिग्री देख लेते हैं, डिग्री में क्या होता है, डी ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑर्डर, जो हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उसमें जो पावर रहेगा है ना, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंशियल ऑर्डर रहेगा ना, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है वही उसका क्या होता है ऑर्डर होता है, और वही उसमें जो पावर रहता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, अगर पावर दिखा तो वही उसका क्या होता है डिग्री हो जाता है। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं d y by dx plus x square y is equals to cot x। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें जो है ऑर्डर आपका क्या है वन है, और साथ ही साथ इसमें होल पावर जो दिख रहा है वो भी कितना है वन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ऑर्डर वन होगा, साथ ही साथ इसकी जो डिग्री है वो भी क्या होगी वन होगी, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यही ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आप
ऑलरेडी क्वेश्चन आ जाए, सपोज मान लें जैसे कि यदि हम लास्ट क्वेश्चन में लेके हैं, है ना, क्या देखे थे उसमें जो है रूट ऑफ था, जैसे कि क्वेश्चन में था कि x डी बाय dx इज इक्वल्स टू रूट ओवर, आपके पास था a स्क्वायर इनटू प्लस इनटू dy बाय dx होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में आपको जो है पहले रूट को हटाना पड़ेगा, तो इसके नेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं, तो ये हो गया x इनटू dy बाय dx, हमने ट्रांसफर कर दिया, ये हमारे पास बच गया, क्या बचा है ये a स्क्वायर, तो ये लो स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया और ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर dy बाय dx होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका माइनस 2x इनटू y dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस a स्क्वायर dy by dx whole square minus b square is equals to 0। जो आपको कॉमन दिख रहा होगा उसको आप कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आई एक्स को एलिमेंट में मिल रही है तो हम कॉमन लेते हैं, तो y square plus हमें कॉमन मिल रहा है dy by dx whole square, बचा क्या ये x square और यहाँ पे है minus a का square, ये बच गया minus 2xy dy by dx minus b square is equals to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव डेरिवेटिव टर्म्स में आपको यहाँ पे दो चीजें मिल रही है, लेकिन हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो कौन सा है ना भाई, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, और वो है हमारा यहाँ पे देखिए आप ये कितना है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है ये 1 है, और यहाँ पे देख रहे हैं इसके पावर में कितना है 2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो 1 होगा, लेकिन जो डिग्री है वो हो जाएगा आपका इसमें और का और क्या है 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 2। तो ऐसे ही आपको जो है ऑर्डर एंड डिग्री जो है फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। थैंक यू।